Let the challenge begin. Assalamu alaikum. So guys, the day is finally here for the badminton challenge. पहले दो दिनों से हम नहीं, किस दिन लगाया था? मैं दो दिन पहले लगाया था, दो दिन पहले जिस दिन हमने क्रिकेट का चैलेंज किया था उसके अगले दिन हमने बैडमिंटन का लगाया था। और फिर उसके बाद बारिश इतनी ज्यादा, अभी इतनी सारी बारिश जो है बनी हुई है, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ, अभी बारिश हुई नहीं तो हमने कहा थोड़ा चांस है तो चले कर लेते हैं बैडमिंटन चैलेंज की। ये देखा जरा, अभी बारिश देखा जरा, ये सारी बारिश है इस टाइम। हमने कहा चैलेंज जो है करना है क्योंकि बिलाल को हराना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कोर भी तो 1-1 से इवन करना है ना, तो आज बिलाल को हराएंगे फिर हमारा स्कोर 1-1 से इवन हो जाएगा, उसके बाद फिर अगला चैलेंज कोई और देखेंगे। हमें लग रहा था कि हमें ना समर ब्रेक तक करना पड़ेगा वेट इसके लिए, चैलेंज के लिए, क्योंकि रोज़ जो है जिस टाइम से स्कूल वापस आते हैं उस टाइम सारी बारिश हो जाती है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है मौसम ठीक ही है तो आज हम बिलाल को हराते हैं। और ना मैं आपको रूल्स बताता हूँ, रूल्स सिंपल ही हैं कि ना बिलाल को मैं बता रहा हूँ 6 पॉइंट्स हैं, जिसने पहले 6 पॉइंट कर लिए वो जीत जाएगा, वो तो सिंपल है। लेकिन ना एक चीज़ है कि जिसने पहले 3 पॉइंट कर लिए, 3 पॉइंट्स के बाद जो है ना जगह जो है वो स्विच होगी, साइड एंड स्विच। तो बिलाल साहब खेला करें शुरू, ठीक है? चलिए आ जाए फिर। जगह स्विच, ये क्या एक रोल नहीं होता, बिल्कुल इसके लेवल पे नहीं आ सकते। नहीं नहीं नहीं, ये चार की है, एक ये रोल है कि उसके बिल्कुल लेवल पे नहीं आ सकते। ठीक है 2-1
पहले बहुत एक हवा थी तो जी मैं तो बैडमिंटन हार गया हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मुझे बैडमिंटन नहीं खेलना आता। ये कोई नहीं बात होती, कोई नहीं खेलना आता, जिस दिन हारते हो उस दिन खेलना नहीं आता। लेकिन मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि मुझे बैडमिंटन से इतना नहीं खेलना आता, और आज मेरा हवा ने भी नहीं साथ दिया। चाहे जिस दिन हवा नहीं होगी उस दिन दोबारा कर लेंगे। और ये देखें मेरे पास प्रूफ भी है, ये देखें जरा हवा इतनी ज्यादा है कि देखें हमारा इन्हें टेढ़ा हो गया। हाँ जी हुआ ना, पहले क्या हुआ था, पहले भी हवा थी ना, पहले जो हमारी चिड़िया किधर है, हमारी इधर है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हार तो गया ना, अब हमारा स्कोर हो गया 1-1 से इवन। अब हम क्रिकेट मैच जीता, बैडमिंटन चलो आप जीता। अब हमने सोचा कि हम ना एक और चैलेंज करेंगे, वो करेंगे बास्केटबॉल का। किसी दिन ना ये अभी समर ब्रेक तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हैं, उस अराउंड द कॉर्नर। हाँ जी अराउंड द कॉर्नर ही है, तो 2 हफ्ते रह गए पीछे, 2 हफ्ते बाद हम करेंगे बास्केटबॉल का चैलेंज, उसमें भी देखेंगे कौन जीतता है। ठीक है, आउट ऑफ थ्री। और इस वीडियो का आईडिया हमें दिया था जहीद रहमान भाई ने। हाँ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने कभी सोचा नहीं था हम बैडमिंटन का चैलेंज भी करेंगे, लेकिन हमने किया, हमें बहुत मज़ा आया खेल के। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये सजेशन दी, काफ़ी अच्छी सजेशन थी। और आप लोग हमें और भी सजेशन दिया करें कि हम किस बारे में वीडियो बनाएं, और हम इंशाल्लाह बनाएंगे। हाँ जी आपने बस कमेंट करना है कि ठीक है इस बारे में हमें जो है वीडियो हम देखना पसंद करेंगे, तो हम अगर हमसे बन सके हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे हम वीडियो जो है वो ज़रूर बनाएं उस चीज़ की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये लाइक इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ना जैसे कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब आप बिलाल से बात करें, इसको मैं भी कहता हूँ कि ठीक है सब्र करें कोई बात नहीं, हार जीत तो है वो खेल रहा है। तो है उस्मान में भी आ रहे थे क्रिकेट, तो उस्मान में भी बड़ा ही अफसोस, बड़ा सब्र किया मैंने उससे 2 दिन। चले कोई बात नहीं अगली दफा ठीक, उस्मान भी ऐसे परेशान, मैंने हौसला दिया था चले अब आप मुझे दे ठीक है ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।